नमस्कार जी, देखिए मैं आपके लिए क्वेस्ट वन की GSP 002 इस लैब को लेकर आ गया हूँ। इसका सॉल्यूशन लैब लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है और सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो इस लैब में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे एनवायरनमेंट को, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे न्यू कंपोनेंट्स को, उसके बाद हम VM इंस्टांस को कनेक्ट करेंगे विद SSH, देन उसके बाद में हम होम डायरेक्ट्री में जाएंगे। कहाँ होम डायरेक्टरी में जाएंगे, उसका सारा सॉल्यूशन वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। आप इमेजेस को खोल खोल कर अगर देखोगे तो ये सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते जाते हैं तो आपकी ये लैब कंप्लीट हो जाती है बहुत आसानी से और बिल्कुल एफिशिएंट मैनर में, ठीक है। लेकिन आप वीडियो भी देख रहे हैं साथ में तो आपको प्लस बेनिफिट मिलेगा कि आपको ये कैसे कैसे दिया गया है, क्या क्या करा गया है, उसको साथ में समझाता भी जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं माइंड मैप पर, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये आपको, जिसमें आप इसको सारा कुछ आपको दिया गया है उसको आप एक्सेस कर लेंगे और सीधा हम जाएंगे लैब पर क्लिक कर लेते हैं। ये लैब पर क्लिक किया, अब जो नया वीडियो बन रहा है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा, पुराने ये वीडियो ये वाले यहाँ पर नए वीडियो बन चुके हैं। और हाँ जी, एक बात और कि आपको देखो मैंने 2020 में ये कंप्लीट कर लिए थे सारे कुछ, और अब की बार जो मैं कर रहा हूँ आपको देखो ऐसे यहाँ पर बैजेस वगैरह ऐसे मिलते हैं। ये बेसलाइन का है और सबसे नीचे अगर आप जाते हो मेरी प्रोफाइल में, ये मेरी प्रोफाइल है, ये URL जो है, और ये प्रोफाइल में आप देख रहे हो मैंने ये 2020 में कंप्लीट कर लिया था गूगल क्लाउड एसेंशियल्स सेट और ये अर्न कर लिया था। उसके बाद मैंने लगभग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उसके बाद में मैंने सिखाया है और उनको भी कराया है, तो आप भी उनमें से एक होने वाले हो। और मैं आपको अभी से बधाई दे रहा हूँ कि आप इसको जल्दी ही लेने वाले हो इन सबको, तो ये सारे बैजेस आपको मैं अर्न करा दूँगा, बने रहो चैनल के साथ में। देखो जी, ये लैब पर हम आ गए। लैब पर आने के बाद स्टार्ट दी लैब, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में जितना आपको करा सकता हूँ ना मैं लैब को, इस बार उस तरीके से मैं आपको सारी अपडेटेड वीडियोस इस तरह से बना रहा हूँ ताकि आपको कोई कमी ना लगे, कोई आपको कमी ना रह जाए सीखने में, और सारी कुछ भी स्टेप कोई छूट ना जाए आपसे, ठीक है ना। और उनको कैसे यूज़ करना है सब कुछ आपको डिटेल में सिखाया जा रहा है, ठीक है जी। इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से, डिफरेंट अकाउंट पेस्टेड, पासवर्ड उठाओ पेस्टेड, लॉगिन, जब तक ये आता है एनवायरनमेंट तब तक आप देख लो कॉन्फ़िगर योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर करना है, रीजन क्या होता है, जोन क्या होता है, ये आप अगर पुरानी वीडियो देखोगे तो उनमें सब कुछ मैंने समझा रखा है। और इंस्टॉल और न्यू वीडियो, इंस्टॉल और न्यू कंपोनेंट कैसे करते हैं, हम सबसे पहले इस कंपोनेंट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसका क्यों करेंगे मैं दिखाऊंगा आपको क्यों करेंगे, ठीक है। कनेक्ट योर VM इंस्टांस विद SSH, देन यूज़ होम डायरेक्टरी, ठीक है। यही सब कुछ यहाँ पर भी दिया गया है बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और फोटो के साथ में, ठीक है। ये सारी इमेजेस वगैरह दी गई है, मैंने कहाँ पे क्या किया है सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं यहीं से इसको कंप्लीट करूँगा। मैं फोटोज़ वगैरह को नहीं देख रहा, मैं सबसे पहले ये कमांड उठा लेता हूँ, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट उठा लो, या फिर इसको देखो आपको यहाँ जाना पड़ेगा क्लाउड सेल में, यहाँ जाओ और जाकर इसको रन कराओ। इसका पर्पज़ क्या है, आप जब भी कंसोल को, ये गूगल कंसोल है पूरा, जब एक्सेस करते हो और किसी प्रोजेक्ट पे, जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे जैसे हम काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो आपको सबसे पहले ये टास्क होना चाहिए कि आप जानो कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कौन सा अकाउंट आपका एक्टिव है। आपका पर्सनल अकाउंट तो एक्टिव नहीं है, है ना, क्योंकि ये देखो ये सर्विसेज वगैरह एक्टिव करना, एक्टिवेट करके अपने अकाउंट से कर देना गलती से भी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत स्टेप हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट आप टाइप करो या फिर यहाँ से उठा लो, ये आपकी चॉइस है। यहाँ से भी उठा लाते हो तो अभी यही उठ जाएगा, देखो ये उठ गया है ना, लेकिन मैंने टाइप कर दिया और एंटर किया, ये कह रहा है जी क्लाउड, अच्छा मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट आपकी बार चलेगा, ये ऑथराइज करने के लिए मांगेगा, ऑथराइज कर दो, ठीक है। अब ये जी क्लाउड CLI जो है उसको हमने ऑथराइज कर दिया, इस पर आप देख रहे हो कि ये वाला अकाउंट एक्टिव है, मतलब मेरा कोई पर्सनल अकाउंट एक्टिव नहीं है, मैं इस पर काम कर सकता हूँ, इससे मेरा ये पहला वेरीफाई हो गया, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद आप लिखो जी क्लाउड कन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, वही बात फिर से, आप इंटर कॉलेज पर जाके भी ला सकते हो उठाकर कमांड को, यहाँ से भी उठा सकते हो, यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपको दिखता है यहाँ पे ये रही कमांड्स, नहीं यहाँ पे नहीं है, ये ऊपर मिलेंगी।
सबसे पहले इन्वायरमेंट को आपने सेट करना है ना। तो ये आपका इन्वायरमेंट सेट हो गया है और यही सब यहाँ तक मैंने फोटोग्राफ्स में ये दिया गया है कि कैसे इन्वायरमेंट को सेट करना है, यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है, ऊपर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऐसे ऑथराइज होगा, ये होगा, हर एक स्टेप का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि कुछ आप गलत नहीं कर रहे हो, आपने सही किया। ठीक है, जो किया। अब सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना है योर एनवायरनमेंट। अब ये कॉन्फ़िगर क्यों करना हो रहा है, ठीक है जी, ये सबसे पहले जान लो। हो क्या रहा है कि आपके पास में आपने एनवायरनमेंट को जनरेट, आपने एनवायरनमेंट को एक्सेस कर लिया है, उसके बाद में आपको नहीं पता कि बाई डिफ़ॉल्ट जो ये सेट करते हैं वो सेट रीजन और आपका बाय डिफ़ॉल्ट जोन जो सेट होता है प्री डिफ़ॉल्ट, वो क्या सेट है या नहीं है, ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए सेट करने के लिए पहले आप जानोगे कि कोई सेट तो नहीं है पुराना, तो आप लिखोगे जी क्लाउड कन्फिग गेट वैल्यू। एक तो होता है गेट वैल्यू, इसमें ये डैश आपको लगाना होगा, गेट वैल्यू कंप्यूट सर्विस का उठा रहे हैं हम, कंप्यूट के अंदर से उठा के लेकर आओ जोन। तो आप देखते हो कि हमने चलाया, ये कह रहा है अनसेट है जी, अभी आपने सेट नहीं कर रखा, इन्होंने ये बोला। ठीक है जी, तो हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए क्या करोगे, आप करोगे जी क्लाउड कन्फिग सेट कंप्यूट जोन। एक बार आप ये देख लो, देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कंप्यूट जोन, और यहाँ पर आप जोन डालोगे, जोन होता है। अब आप एशिया में तो काम नहीं करोगे, अब करोगे तो अपने प्रोजेक्ट पे करोगे ना, यहाँ पर जो क्विक लैब ने आपसे बोला है जोन को यूज़ करने के लिए, आप वो यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप चाहते हो तो आप देखोगे कि इन्होंने कहा होगा, क्या कहा है जी, डिफ़ॉल्ट जोन यूज़ करने के लिए, क्या डिफ़ॉल्ट जोन बनाने के लिए इन्होंने कहा है, हम वही जोन को ले लेते हैं। इसको आप एक काम करो, US सेंट्रल 1 ले लेते हैं, राइट। तो ये मैं कॉपी करके ला रहा हूँ यहाँ से क्विक लैब की, यहाँ से, और ये मैंने एंटर किया, तो आप देखोगे प्रॉपर्टी हो जाएगी अपडेटेड। ये कह रहा है कि आप अब कंटिन्यू करना चाहते हो, तो जस्ट वाई एंटर, प्रॉपर्टी अपडेट हो गई है। तो आपका बाई डिफ़ॉल्ट जोन, अब आप जो भी कोई भी रिसोर्स को एक्टिवेट करते हो, उसको यूज़ करते हो, तो बाई डिफ़ॉल्ट इस जोन में जाने वाली है, राइट। अब हम क्या करेंगे, जोन के बाद रीजन देख लेते हैं, जी क्लाउड कॉन्फ़िग गेट वैल्यू कंप्यूट रीजन स्लैश रीजन। तो देखते हैं, देखो ये भी बाई डिफ़ॉल्ट सेट नहीं है, तो उसको सेट कर लेते हैं। तो आप करोगे जी क्लाउड, देखो अगर आपसे कमांड वगैरह मैं जो लिख रहा हूँ, देखो अगर आप साथ साथ लिखते रहोगे ना, इसको आप टाइप करते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अदरवाइज़ देखो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से जाओगे और इनको कॉपी करके लेकर आ जाओगे। मैंने थोड़ी सी याद कर रखी है कुछ कमांड्स, और ये आसान कमांड्स तो आपको याद रहनी चाहिए, ये नॉर्मल है, ठीक है। और जो बहुत डिफ़िकल्ट वाली कमांड्स है, बड़ी बड़ी कमांड्स है, उनको आपको ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखो, लेकिन ये छोटी छोटी तो यार याद रखो, ठीक है ना, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। तो क्या होगा, जी क्लाउड CLOUT कन्फिगरेशन किया जा रहा है। गेट वैल्यू तो हमने देख लिया कि इसका सेट नहीं है, हम करते हैं इसको सेट। अब सेट कंप्यूट रीजन GIOn, और आप यहां पर जो अपने जोन लेकर आए हो ना, जोन में से डैश लगाकर जोन के आगे आप डाल दीजिए A। ठीक है, बस आपको इतना करना है, इसको जो आप जोन पहले से मैं कॉपी करके लेकर आया था, तो अभी भी वो कॉपी है क्लिपबोर्ड में, तो वही उसको हमने यहाँ से लेकर आए थे हम, तो इसी के आगे डैश A लगा दिया, तो ये जोन बन गया, ठीक है ना। तो इस रीजन में स्पेसिफिकली A जोन है, एक B जोन है, और तीसरा है C जोन, F जोन भी है, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो मतलब, लेकिन हमने A जोन को यूज़ कर रहे हैं, और हमने कर दिया एंटर। तो हमने क्या करा, इन्वायरमेंट ये अपना सेट हो गया, ठीक है जी, इन्वायरमेंट सेट हो गया। अब उसके बाद अब ये सेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, वैसे देखो आप दिख रहा है आपको अपडेटेड प्रॉपर्टी हो चुकी है, लेकिन अगर आपको अगर अभी भी जानना हो, देखो अगर हम अगर यहाँ पर जाते हैं और हम कहे जी हमने तो जी टास्क 1 कम्प्लीट कर लिया, क्या कोई सुनेगा, अभी कोई नहीं सुनेगा। देखा जाए तो हमने अपडेट कर दिया, इन्होंने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर आप जाओगे
तो इन्होंने क्या कहा, मैंने इन्होंने गेट वैल्यू किया, इन्होंने गेट वैल्यू करने के बाद आइडेंटिफाई करा डिफॉल्ट रीजन एंड जोन के लिए, फिर उन्होंने कहा क्लाउड सेल में रन करो जी क्लाउड कमांड, योर प्रोजेक्ट आईडी को यहाँ पर चेंज कर दो, तो आप प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से देखोगे, तो एक ये नई कमांड अपनी लर्निंग लाइब्रेरी में जोड़ लो। देखो ये जितनी भी कमांड्स वगैरह है ना, ये बहुत बेनिफिशियल होती है आपको जितनी पता होती है उतने लिए। मतलब ये कह दो कि मान लो आप किसी वॉर में जा रहे हो, आपके पास जितने अच्छे वेपन्स होंगे, जितने अच्छे अच्छे मतलब ये मानो चलो बहुत एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने धनुर्विद्या सीखी, तो आपके पास जितने भी एरोज होंगे, जितने भी आपके पास तीर कमान होंगे है ना आपके पास में रखे हुए, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आप लंबा युद्ध लड़ पाओगे, ठीक है ना। तो इसे भी एक तरह का युद्ध समझो, और आप अपने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने तीर का मांस रख लो अपने साथ में, ठीक है, ताकि लंबा लड़ो। अगर लंबा नहीं लड़ना तो देखो आपकी इच्छा है, कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इन्होंने कहा कि जी क्लाउड कमांड सेल ये चला दो, देखो चला लेते हैं इसको, है ना। हालांकि अगर आप नहीं चलाते इसको, जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ उसको आगे बढ़ा लेते तो भी ये 100 out of 100 तो मिल जाएगा, लेकिन आपको इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, पता होना चाहिए ये इन्वायरमेंट यहाँ से इन्होंने जिस तरीके से सेट किया है ऐसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना, पेस्ट करने के बाद आप करो कि यहाँ से प्रोजेक्ट आईडी को उठा के ले करना है, यहाँ से इसको हटाओ और प्रोजेक्ट आईडी आपको मिलेगी यहाँ, इसको आप यहाँ पर पुट करोगे और एंटर कर दोगे, तो आप देखोगे। हाँ जी, अब इसको मैं समझाता हूँ, देखो आपको ये देख रहे हो आप लिमिट मैट्रिक्स यूजेज, आप इन सब चीज़ों को छोड़ो, इनसे कोई आपका देखो। हाँ एक बात और कि मेरे पास में ये स्क्रॉल बार आ रहा है, अगर आपके पास में ना आ रहा हो तो आप यहाँ से जाओगे और स्क्रॉल बार को एक्टिवेट कर लोगे, राइट। और ठीक है, अब देखो क्या देखोगे, आप देख रहे हो की वैल्यूज यहाँ पर देख रहे हो, आइटम फिंगरप्रिंट आपका ये है और उसमें आइटम्स दे दिए और ये यहाँ पर की दे दी है, ठीक है। ये SSH की है जिसको आप अपने पास रखते हो, ये बहुत काम की चीज़ होती है, इसके बारे में बताऊंगा बाद में कि काम की चीज़ कैसे है जब इसको यूज़ कर रहे होंगे। आप देखो यहाँ पर रीजन में आपका ये सेट हो चुका है और जोन में आपका देखो जो हमने सेट किया वो सेट हो चुका, तो प्रॉपर्टी अपडेट हो गई है ऑलरेडी। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इनका तरीका देखो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक्सपोर्ट करो पहले एक वेरिएबल में प्रोजेक्ट आईडी को, ठीक है, उसके बाद कहा एक्सपोर्ट करो जोन को, ताकि आने वाले समय में क्या होगा कि आपको कहीं पे जोन की रिक्वायरमेंट है तो आप सीधा सीधा जोन लिख दोगे, डॉलर जोन, जैसे देखो यहाँ पे लिखा डॉलर जोन, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि आपने इस वेरिएबल में इसकी वैल्यू को आपने स्टोर कर लिया, ठीक है। स्टोर कर लिया तो आपको इस वेरिएबल का केवल इस वेरिएबल को आप अगर कहीं पे कॉल करते हो तो आपको इस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, जो आप प्रोग्रामिंग करते हो वही यहाँ पे हो रहा है, कोई बाहर से कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, कोई अलग या फिर आपकी कोई, ठीक है। तो बात समझ रहे हो आप, तो आपने क्या करना है, आप एक काम करो यहाँ से यहाँ तक का इसको कॉपी कर लो या फिर इस पूरे को कॉपी कर लो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरे पास एक्चुअली माउस है और ये मैंने लॉजिटेक का एक छोटा सा माउस ले रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, बहुत मंदा आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, 1000-1200 का मिल जाता है और आपको बहुत काम आता है, मतलब छोटा पैक बड़ा धमाका टाइप का है कि आप देखो प्रोजेक्ट आईडी उठा रहा हूँ कि आप इसको ले लो और आपको बहुत बेनिफिशियल होगा ये लेना, ठीक है। तो आपने ये कर दिया, प्रोजेक्ट आईडी में इसको डाल दिया और आपने कहा एक्सपोर्ट जोन, इसको फिर से करा और यहाँ पर क्या करना है आपको, जो आपका जोन आपने डिफाइन किया है, जोन क्या था आपका, US सेंट्रल, एक सेकेंड मैं लिखता नहीं हूँ, एक काम करते हैं वहीं से उठा कर लाते हैं। देखो आपको रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए, आपके पास यहाँ पर इतना सारा एनवायरनमेंट दे रखा है आपको, अभी तो आपको यहाँ पर दे रखा है जितना आपको करना है, ठीक है। जब आप अपने खुद के प्रोजेक्ट पर कर रहे होगे तो आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ इंटर कॉलेज पर दिया गया कंटेंट होगा, आपको इनकी हेल्प लेकर अपने प्रोजेक्ट में उनको इम्प्लीमेंट करना होगा अपना दिमाग लगा के, ठीक है। गैरी भाई नहीं मिलेगा आपको, मैं नहीं मिलूंगा हर बार कि हर जगह आपको मैं गाइड करता मिलूँ, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ लेकिन मैं आपके देखो आप जॉब कर रहे होंगे अगर, ठीक है, और आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ने लगी तो वहाँ पर तो एकदम से आपको रिजल्ट मिलता है, एकदम से आपको करके दिखाना होता है ना। देखो अब ये प्रोजेक्ट हमने ये करा, एको कर रहा है एक तरह से प्रिंट टाइप का मानो, ठीक है, इस तरह से ले लो इसको, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोजेक्ट आईडी लिया और ये जोन इसको इसने यहाँ पर देखो रिफ्लेक्ट करा दिया, आप देख पा रहे हो कि ये हमने ये सेट कर रखा है। यही चीज़ हमने कैसे की थी,
जो डिस्क्राइब कराया था इंस्टांस, तो वहाँ की वैल्यू की पेयर में वहाँ पर दिख रही थी। मतलब कोई बड़ी चीज़ हमने नहीं करी है, वही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, राइट। अब हमें करना है क्रिएट अ वर्चुअल मशीन विद जी क्लाउड टूल। जी क्लाउड टूल आपका यही है जिसके हमने एक्सेस कर रखा है। जी क्लाउड टूल आपको जैसे ये लिखते हैं ना, जी क्लाउड ये टूल है एक, ठीक है। अब इस टूल में हमें क्या करना होता है कि मान लो अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने लास्ट अभी थोड़े देर पहले हमने किया था कि पूरा वेरिएबल वगैरह सेट करके हमने पूरा इन्वायरमेंट सेट किया था, है ना, तो आप वो तो कर ही लेते हैं, उसमें कोई आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं अगर ये कहूँगा कि आपने वो कॉन्फ़िगरेशन वाले काफ़ी सारी कमांड्स वगैरह देख ली है तो, और मैंने आपको सिखाया है, और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि अभी नहीं सिखाया है तो ठीक है और सिखाते हैं, कोई नहीं। देखो ये जी क्लाउड टूल को हमने उठाया, टूल में हमने कहा कि भाई जाओ कंप्यूट में से उठा कर लेके आओ, क्या करो, कर दो इंस्टांस, इंस्टांस। अब देखो एक चीज़, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ और मेरे को जो एक तरह का बेनिफिट मिलना चाहिए, किस तरह का बेनिफिट, कि मेरे को थोड़ा सा सजेस्ट करे, वो नहीं दे पा रहा ये टर्मिनल में, क्योंकि हमने जो वर्ज़न यूज़ कर रखा है वो हमारा बीटा वर्जन नहीं है। अगर हम बीटा वर्जन, क्योंकि जो कि हमारा नेक्स्ट टास्क है, उस नेक्स्ट टास्क में हम इसका बीटा वर्जन को अवेलेबल कराएंगे, उसके बाद चलो एक काम करते हैं, पहले बीटा जो वर्जन है ना उसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, मैं टास्क टू पहले कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहूँगा कि sudo apt-get, इसको apt-get क्यों बोल रहा हूँ आपको आई थिंक आइडिया होगा, इंस्टॉल गूगल क्लाउड SDK, राइट, एंटर। sudo apt-get इंस्टॉल क्लाउड SDK, गूगल क्लाउड SDK, ये कमांड हमने रन कराया, ये जो कि हमारा टास्क टू में पर अगर आप जाते हो तो देखो मैंने ये वाली कमांड आप यहाँ से उठा कर ला सकते हो। आपको टाइप नहीं करना, आपको आलस्य आ रहा है, आलस्य के आप पात्र हो रहे हैं, तो ये देखो आपकी गलत कर रहे हैं। सीखना है तो यार थोड़ी सी मेहनत कर लो, साथ साथ में सिखा रहा हूँ ना मैं, बता रहा हूँ ना मैं भी आपके साथ में कर रहा हूँ। देखो मैं ऑलरेडी, मेरे पास बैजेस है, सब कुछ है, देखो 2020 से है मेरे पास में सब कुछ, और मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ, भरपूर यूज़ कर रहा हूँ। कहाँ पे कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं वो बात बताऊँगा आपको, ठीक है। तो देख रहे हो आप, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं कर रहा हूँ ना, आपके लिए कर रहा हूँ यार, है ना। तो आप अपने लिए नहीं कर सकते जब मैं आपके लिए कर सकता हूँ। देखो अब इसके बाद क्या करोगे, जो सेकंड कमांड है, देखो मैं यहाँ से आपको बता दूँ, जी क्लाउड बीटा इंटरेक्टिव। बस जी क्लाउड टूल से आपने बीटा इंटरेक्टिव को सीधा कॉल करा, इसको अनेबल मोड में लाने के लिए, ठीक है, कर दो। ये सेकंड टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, जी क्लाउड बीटा इंटरेक्टिव, आई होप मैंने सही लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई है, ओके। अब देखो समझ में आया आपको, अभी नहीं आया होगा, मैं इसको एक बार एंटर कर रहा हूँ, अभी इसको एक्टिव हो जाने दो, बीटा इंटरेक्टिव को हो गया। अब देखो कितना मजा आएगा, अब मान लो मैं जी क्लाउड टूल को फिर से उठा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ VM इंस्टांस हम अब क्रिएट करेंगे जी, मैं कह रहा हूँ जी क्लाउड, देखो कितना बेनिफिट मिलेगा आप देख पाओगे अब सारी चीज़ों को, क्यों मैंने टास्क टू पहले किया और उसका क्या रीज़न रहा है वो आप समझोगे। मैं कह रहा हूँ जी क्लाउड कंप्यूट, COM लिखा मैंने, नीचे आने लगा PUT कंप्यूट, स्पेस करो बस, आपको ये मिल गया, ठीक है, जी क्लाउड कंप्यूट। उसके बाद में आपका क्या होता है, आपको जब VM इंस्टांस क्रिएट करना होता है तो आप कहते हो इंस्टांसिस, देखो नीचे आने लगा IN लिखा मैंने, इंस्टांसिस, इंस्टांसिस टेम्पलेट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, और इसके अंदर हम फायरवॉल वगैरह कैसे, राउट्स वगैरह की राउट पेयरिंग वगैरह कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा, चैलेंज लैब भी हम सोल्व कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको, ठीक है। देखो कितना मजा आएगा आपको, अब आपको सारा कुछ टाइप नहीं करना, केवल स्पेस से आ जाना है, ठीक है। तो आपको क्रिएट लिखा, अब इनका देख लेते हैं इन्होंने नाम क्या दिया है, कि इंस्टांस का नाम क्या देना है। देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग कह रहे हैं GCE Lab 2, ये इंस्टांस का नेम है। मैं टास्क टू पे जाता हूँ, हमारा इंस्टांस क्रिएट करने का टास्क थ्री है, कनेक्ट योर VM इंस्टांस, डिस्क्राइब VM, इंस्टॉल, एक सेकेंड, ऊपर क्या क्या बकवास कर रखी है, मैं इसके बारे में आपको भी बताऊँगा। हाँ जी देखो
ये है जी जी सी लैब टू, तो जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांस क्रिएट क्रिएट, उसके बाद में आपको देना है, ये होता है इंस्टांस नेम, ये होता है मशीन टाइप, उसके बाद में यहाँ पे मेंशन कर देना होता है, ये होता है जोन, जोन मतलब किस जोन में, किस रीजन में, किस लोकेशन पे आप अपने वेब एप्लीकेशन को, अपनी सर्विस को एक्टिवेट कराना चाह रहे हो, राइट। क्योंकि जितने ज़्यादा रो जोन्स में आप करोगे तो आपका कॉस्ट भी, बिलिंग भी उतना बढ़ता जाता है, मतलब अपने प्रोजेक्ट में। अभी फिलहाल तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, याद रहे, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि मैंने अगर क्रिएट करा क्विक लैब की प्रोफाइल से तो क्या मेरे को चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा जी, एक रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है, बशर्ते आपने अपने अकाउंट से नहीं किया है, जो इन्होंने अकाउंट दिया उससे किया है, जो ये अकाउंट दिया है सर्विसेज वगैरह की प्रैक्टिस आप इसी से कर रहे हो। गलती से अगर आप अपने पे क्रिएट कर दे रहे हो और सर्विसेज को एक्टिवेट करते रहे हो तो देखो वो आपकी गलती होगी, उसका जिम्मेदार ना तो मैं हूँ ना कोई और होगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतें। तो मैंने कहा जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांसिस क्रिएट, क्रिएट के बाद उसका नाम जो इन्होंने दिया है, एक सेकेंड, CRE मैंने लिखा, तो नीचे स्पेस किया, आ गया क्रिएट। अब इसका नाम मैं उठा के ले आता हूँ, मेरे को मैं भूल गया यार नाम क्या दिया था, अच्छा ये रहा। आप इस पूरी कमांड को उठाकर भी लेकर जा सकते थे, लेकिन मैं नहीं कर रहा ऐसा काम, ठीक है, ये कमांड आपके लेकर आए, ये नेम हो गया। नेम के बाद आपको बताना होता है उसका मशीन टाइप क्या होगा, मतलब वो उसमें कितने CPUs आपको चाहिए, मतलब आपका हो गया यार CPU तो एक ही होता है, नहीं भाई आप काफ़ी सारे CPUs रख सकते हो वर्चुअल मशीन में, ठीक है। तो आपका हो गया मशीन टाइप टेस्ट टेस्ट मशीन, MAS लिखा, MSE लिखा, मैंने लिखा मैंने, और मशीन टाइप आ गया, मशीन टाइप आ गया, आ गया। अब आप लिखोगे N1, देखो ये अपने आप बताएगा आगे का कि आपको क्या क्या ऑप्शन है, शे N1, देखो नीचे आने लगा शे आ रहा है, टाइप इज N1 स्टैंडर्ड 1, ये इसको बस मैंने इसको सेलेक्ट ही करा है, कॉपी अपने आप कर ले रहा है। आप उसको यहाँ पर लिखोगे और ये N1 को यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि पूरा हम उठा कर लेकर आ गया, नीचे हिंट में आ रहा था ना पूरा मशीन टाइप क्या क्या हो सकती है, ये मशीन टाइप आपने कर दिया। अब आपको कहना है कि यार डेस डेस जोन आ गया, जोन 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 आपको क्या क्या रख सकते हो, आप एक काम करो क्योंकि आपने वेरिएबल में डिफाइन कर रखा है तो आप सीधा उसको जोन का नाम पूरा नहीं लिखोगे, जैसे US सेंट्रल 1 A B A और ये सब थे, आप सीधा आप क्योंकि आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल याद है आपको कि हमने कैपिटल में लिखा था, याद है भूल गए, आप ऊपर ऐसे कर सकते हो स्क्रॉल करके, क्योंकि मेरे पास तो माउस है यार, देखो आपको माउस लेना पड़ेगा, देखो मानो बात को, ठीक है। तो आप जोन जब करते हो तो जोन ये पूरा लिखना पड़ता, लेकिन आप नहीं लिखोगे क्योंकि आपने एक्सपोर्ट करा दिया था उसको, आपने जोन को एक्सपोर्ट करा दिया था जोन नाम के, कैपिटल JZONE इस जोन में आपको उसको एक्सपोर्ट करा दिया, तो वेरिएबल आपके पास में है तो आपने सीधा वेरिएबल को कॉल करा और एंटर कर दिया, जोन आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो कमाल कि आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है जी क्लाउड कमांड लाइन से। हालांकि ये एक साधारण लैब है और जो हम ये कर रहे हैं ना छोटे, इसको ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करना ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, और भी आसान होती कि अगर आप कॉपी करके बस पेस्ट करते चले जाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार सीख लो मान जाओ, है ना, तो कुछ भला हो जाएगा, याद करोगे कि गैरी भाई था आपका, उसने काफ़ी कुछ सिखाया और बहुत फोर्स किया आपको, है ना। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, करोगे क्या, जब भी आपका स्किल बैच कंप्लीट हो जाता है तो आप यार जाके सीधा लिंक्डइन पे जाओगे तो आप #code गैरी वहाँ पर यार मेंशन कर देना और आप उस बैच को शेयर करना लिंक्डइन पे, जैसे भी कोई भी बैच आपका अर्न करते हो आप, ठीक है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी यार, मैं वेट करूँगा आपका, ठीक है ना, कि आप करते कि नहीं करते हो। हाँ जी, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, देखो मैं अपना दायित्व पूरा निभाऊंगा। वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है, वर्चुअल मशीन कहाँ देखोगे, वर्चुअल मशीन यहाँ जाके देखोगे यार, देखो ये कंप्यूटर इंजन में जाके वर्चुअल मशीन में जाओगे, वर्चुअल मशीन क्या होती है, वर्चुअल मशीन एक तरह का मानो कि आपकी मशीन, मशीन मतलब मशीन, ठीक है, मतलब बहुत आप कहोगे कि यार यदि भाई ये क्या मतलब मशीन मतलब मशीन, हाँ देखो वर्चुअल मशीन क्या होता है कि आपके पास, देखो आपका खुद का सिस्टम है जिस पर आप काम कर रहे हो, इस सिस्टम में आपके पास में क्या है, आपके पास में डिस्क है, हार्ड डिस्क है, आपके पास में रैम है, ठीक है, आपके पास में इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स है बहुत सारे, आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास में हार्डवेयर है ना। वर्चुअल में क्या है कि आपके पास हार्डवेयर नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ होगा, ठीक है।
क्योंकि ये वर्चुअली होगा। और ये कहाँ पर होगा? ये देखो बड़े बड़े सर्वर हाउस है, जैसे हम जोन डिफाइन कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे ना जोन वगैरह। आप अगर देखो पुरानी वीडियो देखोगे ना मेरी, मतलब इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में आप एक्सेस कर पाओगे, और या फिर देखो यहाँ पर आप सारी वीडियोस मिल रही है। और जो न्यू वाली वीडियो है ना, इनमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 में जो थी उनमें हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, और काफ़ी बच्चों ने फिर मेरे को बोला कि भैया ऐसा मत करो, लेकिन मेरे को यार टाइम नहीं मिला, सीरियसली बताऊँगा। लेकिन इस बार मैंने, अब की बार अपना सारा प्रोग्राम जो भी मैं अपना फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट था, एक दो मेरे को मिले थे, उनको मैंने अभी हैंडओवर, मतलब टेक ओवर नहीं किया, हैंडओवर नहीं किया, कुछ भी कह लो। देखो कुछ है जो पुराने हैं, उसमें ही मैं थोड़ा बहुत मिल जा रहा है मेरे को, मैं उनसे अभी गुजारा कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि यार इस बार आपको पूरा डिटेल से ईमानदारी के साथ आपको कुछ सिखाता हूँ, ताकि यार मतलब दुनिया में है ही क्या, दुनिया में क्या है, मतलब कुछ कोई याद तो करे कि हम भी थे। तो बस अपना फ़र्ज ये, अपनी प्रेजेंस दुनिया में डालने के लिए मैं अपना, अपनी खुशी के लिए आपके लिए ये कंटेंट बना रहा हूँ। बहुत अच्छी विचार रखा हूँ ना मैं क्या करें यार, यही थे वैसे विचार। हाँ जी, तो ये देखो अभी आपका अभी नहीं होगा ये, आपको क्या करना है, देखो क्रिएट अ वर्चुअल मशीन विद जी क्लाउड। आप ये क्रिएट कर दिए हो ना, तो आपका लैब तो ऑलरेडी हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप अभी देखोगे कि कुछ तो कमी रही है, कुछ तो गड़बड़ है। दया इंस्टॉल कर लिया है हमने, टास्क टू हमने इंस्टॉल कर लिया है, इंटरेक्टिव मोड हमने ले लिया है। आप इंस्टांस को डिस्क्राइब करा देते हैं, मे बी इसके नीचे आपको कहीं पर दिया है, वो आपको कहीं नहीं दिया है। यहाँ पर दिया गया है थ्री बेसिक वे टू इंटरेक्ट जी क्लाउड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज आर। आप क्लाउड कंसोल के थ्रू कर सकते हैं, इंटर कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं, राइट। आप उसके बाद आप जी स्ट्रीमर के थ्रू कर सकते, नहीं नहीं जी स्ट्रीमर नहीं था आपका, आपका 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 क्लाइंट लाइब्रेरीज। यार देखो ये दो तो है, इनके लिए मैं कन्फर्म हूँ, क्लाइंट लाइब्रेरीज, हाँ सही है, इन दो के लिए मैं कन्फर्म था। क्लाइंट लाइब्रेरी देखो आपको याद रखना चाहिए कि जब आप सर्टिफिकेशन वाले एग्ज़ाम याद कर रहे होते हो, तो आपको ये कुछ ये नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी मेरे को, मैं भूल गया था इसको, क्लाइंट लाइब्रेरीज के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, मेरे को याद है लेकिन मैं ये भूल गया था अभी, कोई नहीं, ठीक है। बीटा इंटरेक्टिव हमने कर लिया है, अभी हमारा ये काम पूरा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये दे रहा है क्रिएट अ वर्चुअल मशीन विद जी क्लाउड। हालांकि हम कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अपने टेस्ट रूल वगैरह ऐसे लगा दिए कि आपको नहीं बता रहे कि आपने ऑलरेडी कर लिया है, बीट इंटरेक्टिव कर लिया है, आपने आपने ये काम कर चुके हो। ये करने की मैं नहीं मानता ज़रूरत है आपको, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये है आपका क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, ओके ओके ओके। N1 स्टैंडर्ड 2 एक बार देख लो, यहाँ पर N1 स्टैंडर्ड 2 नहीं है, N1 स्टैंडर्ड 1 हमने सेलेक्ट कर लिया है गलती से, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसको आप यहाँ पर आए हो ना मेन्यू के थ्रू, कंप्यूट इंजन में जाके, VM इंस्टांस में जाके, क्योंकि हमने देखो इनका कुछ ये पढ़ा नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, N1 स्टैंडर्ड 2 कहा था हमने, ये कमांड यार अगर कॉपी करके चला देते तो हम N1 स्टैंडर्ड 2 ही हमारा क्रिएट हो जाता, लेकिन हमने कमांड खुद बनाई, खुद से टाइप की, तो इसलिए हमारा N1 स्टैंडर्ड 1 हम सेलेक्ट कर लिए गलती से। मतलब अब आपको क्या करना होगा, आपको इसको एडिट करना होगा। कहाँ पर आया हूँ मैं, देख लो, मैं गया हूँ कंप्यूट इंजन में VM इंस्टांस पे क्रिएट किया, क्लिक किया, उसके बाद मैं GC लैब 2 पर क्लिक कर दिया था मैंने। और यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे कि आप मशीन टाइप देख रहे हो, ये नेटवर्क इंटरफेस देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। मशीन टाइप को ये अगर चेंज करने का ऑप्शन देते हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मैं खुद देखना चाह रहा हूँ पहली बार कि कर सकते कि नहीं कर सकते। यू मस्ट स्टॉप VM इंस्टांस टू एडिट इट्स मशीन टाइप। देखो एक नई इन्फॉर्मेशन मेरे को पहली बार पता चली है, मुझे खुद पहली बार पता चली है, क्योंकि हर बार मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को जो रिक्वायरमेंट होती है मैं वही क्रिएट करता हूँ। देखो हमने भी कुछ सीख लिया, आपको सिखाते सिखाते क्या करना है आपको, आपको इसको इंस्टॉप करना होगा। स्टॉप करते हैं, यहाँ से स्टॉप करोगे उसके बाद ही आप VM इंस्टांस की टाइप जो है मशीन टाइप उसको आप चेंज कर सकते हो, उन्होंने ये बोला है। देख लो कितना कुछ सीखने को मिल जाएगा, अगर आप सीधा सीधा कमांड को उठाते पेस्ट करते तो यार इतना कुछ आपको नहीं मिलता,
जितना अब मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी बट यार बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ यार कि मैं छोटी से छोटी रखूँ वीडियो को, लेकिन देखो मैं आपके सामने कर तो अपने हिसाब से एक भी मिनट जाया नहीं कर रहा, लगातार काम कर रहा हूँ आपके सामने। अब देखो जितना टाइम की वीडियो बनती है तो मैं इसके लिए देखो, अगर आपको बुरा लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ी वीडियो है, तो यार देखो मैं वाकई में रियल में मतलब बहुत ज़्यादा क्षमा का प्राप्ति रहूँगा, है ना। तो देखो अब कर सकते हैं हम लोग, क्या करोगे, N1 स्टैंडर्ड 1 नहीं होगा, N1 स्टैंडर्ड 2 होगा, और इसको बस सेव कर दो, बस इतना सा काम। मशीन टाइप में आना, नीचे आके एडिट अप कर सकते हैं, क्योंकि हमने VM इंस्टांस को हमने पहले स्टॉप किया था। स्टॉप करने के बाद हम मशीन टाइप को हम चेंज कर सकते हैं, वो अब हम चेंज कर रहे हैं, राइट। तो अभी देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जैसे ही हो जाता है आपको स्टेटस यहाँ पे पता चलेगा कि अभी चल रहा है, जहाँ भी पता चल रहा है यहाँ भी पता चल सकता है, राइट। जैसे मान लो मैं यहाँ पर हुई नहीं, अभी मैं वापस चला गया इसको सेव करके, ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दिया, मतलब VM इंस्टांस के डैशबोर्ड पे मैं आ गया। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये रन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हालांकि यहाँ पे भी स्टेटस आ रहा होता है, लेकिन अभी देखो ये दिख रहा है VM इंस्टांस इज स्टॉप्ड। आपको पहले इसको अब रन भी कराना होगा, स्टार्ट एंड रिज्यूम, स्टार्ट कर दो। इसके बाद आपका ये फर्स्ट टास्क जो मतलब आपका लैब है, ये मान लो कंप्लीट हो गया, आई थिंक कि अब की बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। यार बहुत बहुत आसान चीज़ें हैं, विश्वास करो मेरा कि आप बहुत आसानी से बन जाओगे एक अच्छा क्लाउड आर्किटेक्ट। हो गया हो गया हो गया, है ना, देखो कितनी आसानी से हुआ। इतना सब देखो हमें करना पड़ा क्योंकि हमने एक गलती की, हमने इनका इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने इनका ये पढ़ा नहीं, ये मेरे से गलती हुई है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेते तो आप अब ध्यान रखना कि आगे से हम क्विक लैब की जो इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ा सा पढ़ लेंगे पहले कि इन्होंने पूछा क्या, रिक्वायरमेंट क्या रखी है, ठीक है ना। देखो ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद में कुछ और भी दे रखा है जिन पे मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं कराया, जैसे रन दी फॉलोइंग कमांड टू हेल्प टू गेट हेल्प, राइट। और उसके बाद आपको ये गेट हेल्प कन्फिग लिस्ट ऑल कन्फिग लिस्ट, ये क्या होता है, ये आपको बता रही होती है कि आपके इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन सारी दे रही होती है, पहले ऑल और लिस्ट करना था, इंस्टॉल न्यू कंपोनेंट, न्यू कंपोनेंट के लिए आपको ये कंपोनेंट दिया, बीटा कंपोनेंट था, इसके थ्रू हमको कितना फ़ायदा मिला आपने ये देख लिया। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, इसको आपको देख लिया कि इसको बीटा कंपोनेंट को रन करने के बाद आपको कितना हेल्प मिलता है। आने वाले लैब्स में हम इसको, हालांकि लैब में नहीं बोला जाएगा अनेबल करने का, लेकिन हम करा करेंगे ताकि हमें यार देखो मज़ा आएगा। ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस किया, ऐसे ही आपको कराऊंगा, ठीक है। और अगर आपको डिस्क्राइब कराना है इंस्टांस को कि इंस्टांस का क्या हाल है, एक्टिव मोड है, पैसिव मोड है, टॉगल्स वगैरह प्रेस करके आप उसकी हेल्प सेक्शन पे जा सकते हैं, उसको एग्जिट कर सकते हैं, इसके बारे में मतलब जैसे हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कराया था, ऐसे ही आप इंस्टांस के बारे में इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हो कहीं भी। मान लीजिए कोई इंस्टांस प्री क्रिएटेड है, किसी आपके टीम मेंबर ने क्रिएट कर रखा है, तो उस पर इंस्टांस की आपको कंसोल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके इंस्टांस में ढूंढना पड़ेगा। आप ऐसा ना करके आप सीधा इंस्टांस को नेम यहाँ पे मेंशन करके आप जानकारी ले सकते हो कि कौन सा किस तरह का इंस्टांस आपके बंदे ने आपके टीम मेंबर ने क्रिएट किया है, ठीक है। डिस्क्राइब करा सकते हो आप, जान सकते हो। इसके बाद VM इंस्टांस विद SSH, ओके, ये एक नया टास्क रह गया। देखो इसको मैं कॉपी करके ले जा रहा हूँ, कोई नहीं। आपको क्या है, जी क्लाउड कंप्यूट SSH GCLab2 जोन, ये वेरिएबल दे दिया। तो इससे क्या होगा, इससे एक SSH के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि हमारी लैब हो चुकी है, आप इसको ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं करूँगा कर देना, ठीक है। एक बार देखता हूँ इससे क्या होगा, ये SSH कनेक्ट हो जाएगा। SSH क्या है इसके बारे में गूगल कर लो, ठीक है ना, तो लैब बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं लैब को भी क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा लैब हो चुकी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।